सरकार अपने काले करतूतों को पर्दा डालने का कोशिश कर रहे हैं। SBI कह रही है कि जुलाई तक हम आपको बताएंगे सब चीजें। क्यों इतना टाइम लगता है? इलेक्शन तक छुपाना चाहते हैं, फिर इलेक्शन के बाद। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो न केवल हमारे लोकतंत्र की नींव को हिला रहा है, बल्कि यह भी सवाल उठाता है कि क्या हमारी राजनीतिक पार्टियां वास्तव में जनता की सेवा कर रही हैं, या फिर वे कॉर्पोरेट घरानों के हितों की रक्षा कर रही है। चुनावी बॉन्ड्स के माध्यम से होने वाले अनुमानित क्विड प्रो क्वो के आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT के गठन की मांग करते हुए NGO कॉमन कॉज और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन CPIL ने सुप्रीम कोर्ट का रुख। क्या यह आरोप सही है कि राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे के बदले में कॉर्पोरेट घरानों को सरकारी ठेके और लाइसेंस मिल रहे हैं? क्या यह सच है कि जांच एजेंसियों से बचने के लिए सुरक्षा धन के रूप में राजनीतिक दलों को पैसे दिए जा रहे हैं? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं AIR News। NGO कॉमन काज और CPIL के चुनावी बॉन्ड्स के माध्यम से राजनीतिक दलों को फंडिंग करने वाली कॉरपोरेट इकाइयों, जिनमें सेल और घाटे में चल रही कंपनियां शामिल हैं, के बीच होने वाले कथित क्विड प्रो क्वो के मामलों की स्वतंत्र और न्यायालय निगरानी वाली जांच के लिए एक SIT के गठन की मांग की गई है। इस याचिका में उन्होंने यह भी मांग की है कि जिन कॉरपोरेट्स ने अपराध की प्रक्रिया में पाए गए धन के रूप में दान किया है, उनसे राशि की वसूली की जाए। इस याचिका में यह भी कहा गया है कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित डेटा से पता चलता है कि पिछले 6 वर्षों में चुनावी बॉन्ड्स के माध्यम से बड़े कॉरपोरेट्स और राजनीतिक दलों के बीच क्विड प्रो क्वो की संभावित व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि इस याचिका में उन खबरों का भी हवाला दिया गया है जिनमें कुछ कंपनियों द्वारा चुनावी बॉन्ड्स खरीदे जाने की बात कही गई है, जैसे कि मेगा इंजीनियरिंग और इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड APCO, फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज, ग्रासिम इंडस्ट्रीज IFP, एग्रो लिमिटेड इन्फिना कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड इन्फिना, औरोबिंदो फार्मा वेदांता और भारतीय एयरटेल लिमिटेड। इस याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि कई फार्मा कंपनियां जो नियामकीय जांच के दायरे में थी और जिन पर घटिया दवाइयां बनाने का आरोप था, उन्होंने भी चुनावी बॉन्ड्स खरीदे हैं। उन पर यह आरोप है कि इन फार्मा कंपनियों ने नियामकीय जांच से बचने के लिए या अपने उत्पादों के लिए अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए चुनावी बॉन्ड्स के माध्यम से राजनीतिक दलों को धन दिया है। इस तरह के क्विड प्रो क्वो व्यवस्था को 1988 के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन माना जा रहा है। आगे याचिकाकर्ता NGO ने समाचार रिपोर्टों का हवाला देते हुए SIT द्वारा न्यायालय निगरानी में जांच की मांग की है, जिसमें सार्वजनिक सेवकों, राजनीतिक दलों, वाणिज्यिक संगठनों, कंपनियों, जांच एजेंसियों के अधिकारियों और अन्य के बीच कथित क्विड प्रो क्वो की मामलों और याचिका में उजागर किए गए अन्य अपराधों की जांच की जाए। इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा करते हुए हमें यह भी समझना होगा कि यह सिर्फ एक वित्तीय घोटाला नहीं है, बल्कि हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों और नैतिकता की परीक्षा भी है। यदि यह आरोप सही साबित होते हैं, यह हमारे राजनीतिक ढांचे में गहरी जड़ें जमा चुके भ्रष्टाचार का प्रतीक होगा। इसलिए इस मामले की जांच न केवल आवश्यक है, बल्कि यह भी जरूरी है कि जांच पारदर्शी और निष्पक्ष हो। इस मामले की जांच से जुड़ी घटनाएं, व्यक्तियों, प्रभावों और इतिहास का वर्णन करते हुए हमें यह भी देखना होगा कि कैसे इस तरह के घोटाले न केवल राजनीतिक दलों की छवि को प्रभावित किया है, बल्कि आम जनता के विश्वास को भी कमजोर किया है। इस तरह के मामलों में जांच एजेंसियों की भूमिका और उनकी निष्ठा पर भी सवाल। इस मामले से हमें यह भी समझना होगा कि इस तरह के घोटाले से न केवल राजनीतिक दलों की साख पर बट्टा लगता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे वित्तीय लेन देन के माध्यम से नीतियों और कानूनों को प्रभावित किया जा सकता है। इस तरह के मामलों में जाँच की गहराई और उसकी विस्तृतता बहुत महत्वपूर्ण होती है। चुनावी बॉन्ड्स के माध्यम से होने वाले वित्तीय लेन देन और क्विड प्रो क्वो के आरोपों की जांच से न केवल राजनीतिक दलों और कॉर्पोरेट घरानों के बीच के संबंधों की पारदर्शिता सामने आएगी, बल्कि यह भी पता चलेगा कि कैसे इस तरह के लेन देन से नीतियों और कानूनों को प्रभावित किया जा रहा है। इसलिए इस मामले की जाँच और उसके परिणामों का इंतजार न केवल राजनीतिक दलों के लिए, बल्कि
पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये थी हमारी आज की खास वीडियो। बाकी अन्य खबरों और उनकी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे थे एयर न्यूज़। धन्यवाद।